अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनाबॉलिक मास गेनर ये आप देख सकते हैं। एनाबॉलिक मास गेनर बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रोटीन वर्ल्ड वाइड, तो मैंने सोचा इसको मंगवाएं। लास्ट टाइम मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया है, मैंने पिया है, तो यार मैं डिसहार्ड हुआ हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे तो लग रहा है कि ये फेक प्रोटीन है, जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं। प्रोटीन स्टोर से मैंने ये ऑर्डर किया था 25,000 रुपीज़ में, 7 kg का इन्होंने मुझे दिया है, ठीक है। लेकिन इनसे मैंने रब्ता किया कि यार आपका प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है। ये कहते हैं कि भाई जेन्युइन है 100%, आपको किसने कह दिया। लेकिन ये वाला पहले दिन जब मैंने दूध में डाल के फिर यूज़ किया, बिल्कुल पतला पाउडर जैसे पता नहीं क्या होता है, उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं, आटे का टेस्ट आ रहा है, ठीक है, हल्का सा चॉकलेट का टेस्ट आता है, ऐसे पता ही नहीं चलता यार कि चॉकलेट फ्लेवर का प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ मैं। पता नहीं बूस्ट करता है, मसल्स को ग्रो करता है। ये तो मैंने अभी सिर्फ 3 दिन यूज़ किया है, ये यूज़ करूँगा 10-15 दिन के अंदर, तो मुझे कुछ इसका रिज़ल्ट आना शुरू होगा, तो भी मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसा है। लेकिन आज मैं इसका एक छोटा सा टेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं चेक करने चाह रहा हूँ कि यार ये पानी के गिलास में किस तरह डिज़ोल्व होता है, कितना टाइम लेता है, या इसके कोई एलिमेंट्स तो नहीं रह जाते डिज़ोल्वनेस के दौरान कि वो डिज़ोल्व ना हो। मैं इसको अभी डिज़ोल्व करता हूँ आपके सामने और दिखाते हैं यार आपको ये इसका क्या सीन है। अगर मैं गलत हूँ तो फिर भी कमेंट में मुझे बताइए, अगर मैं ठीक हूँ कि यार ये फेक प्रोडक्ट है तो फिर भी मुझे बताएं ताकि मैं इसे ना यूज़ करूँ, क्योंकि फेक प्रोडक्ट यूज़ करने से बेहतर है आप 20-25 हज़ार को फाड़ के फेंक दें, अपने गुर्दों का बेड़ा गर्क न करें, अपनी सेहत का बेड़ा गर्क न करें, आप स्ट्रेचर पे चले जाएंगे, हॉस्पिटल एडमिट हो जाएंगे अगर आप फेक प्रोडक्ट यूज़ करें। ले जी, ये तो हमारा आ गया पानी, मैं इसे ज़रा निकाल के इसमें ऐड करता हूँ आपके सामने। जितना पानी है उस हिसाब से मैं इसका कह लें कि आधा स्कूप यूज़ करूँगा, आधे से थोड़ा सा खाऊंगा। ये देखें, ये मैं इसके अंदर ऑलमोस्ट कह लें कि 3/4 है स्कूप, ये इसके अंदर हम डालते हैं, इसकी डिज़ोल्वनेस चेक करते हैं हम कि कितना डिज़ोल्व होता है, ठीक है। तो देख लें, और चॉकलेट फ्लेवर है लेकिन टेस्टलेस इसका कोई नहीं है, मज़ा ही नहीं आता इसको यूज़ पीने का। इसको अच्छी तरह हम कर लेते हैं पानी के अंदर शेक, लेकिन ये चेक कैसे करूँगा कि यार ये अच्छी तरह डिसॉल्व हो गया या इसके एलिमेंट्स रह गए हैं कुछ। ये देखें ना, ये चॉकलेट्स की, बाकी अगर आप नोट करें ये प्रोटीन नहीं, प्रोटीन डिसॉल्व हो गया, ये जो इन्होंने चॉकलेट ऐड की हुई है वो नहीं हो रही। इसको ज़रा हमको इस तरीके से करना पड़ेगा, देखा जाए तो बिल्कुल होनी चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है जी। ये इसको हम देखते हैं, वेट करते हैं यार, ठीक है जी। तकरीबन मैक्सिमम 1.5 या 2 मिनट हुए हैं इसको मैंने इसमें जो आपके सामने मिक्स किया है, मैं नीचे से आपको दिखाना चाहता हूँ। आई थिंक कुछ है इसके अंदर अभी जो हल नहीं हुआ अच्छी तरह, और ये देखें इस तरह का ये है। मैं इसके अंदर डालता हूँ, चेक करते हैं लास्ट में हमारे पास कुछ बचता है कि नहीं। आई थिंक हो गया है काफ़ी सारा, टोटल हो गया डिज़ोल्व। ये देखें आप, ग्लास ऑलमोस्ट खाली है। इसको ऐसे भी करें तो बिल्कुल ये डिज़ोल्व हो गया है, नहीं है अभी कुछ ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन मे बी ये बिल्कुल ऐसा ही हो। इसका जो टेस्ट है फीका सा बग़ैर शुगर के, क्योंकि मोस्टली शुगर तो होती नहीं है इनमें, तो अगर तो यार मैं गलत कह रहा हूँ कि ये फेक प्रोडक्ट है तो फिर भी मुझे बताएं, अगर आपके भी सारे ऐसे ही हैं फिर तो ये जेन्युइन होगी। तो ये जो है ना आई थिंक ओरिजिनल प्रोडक्ट ही है, काफ़ी ठीक तरीके से डिज़ोल्व हुआ है इसके अंदर, ठीक है यार। वीडियो कमेंट में मुझे बता देना यार कि ये मतलब मेरा मेरे पास जो है ये जेन्युइन है या फेक प्रोडक्ट है।